थोरासिक डक्ट बेटे इसका जो ओरिजिन होता है वो एक सैक लाइक जो लिम्फैटिक सैक होता है, एक थैली होती है लिम्फैटिक टिश्यू की जो कि पड़ी होती है इन द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ अराउंड अबाउट 12 थोरासिक वर्टेब्रा अंडर द डायफ्राम इंफीरियर टू डायफ्राम, ठीक हो गया, विद इन द एब्डोमेन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये जो सैक लाइक लिम्फैटिक जो टिश्यू है, लिम्फैटिक सैक है, इट ड्रेन्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें लोअर लिम्स आ जाते हैं और लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन आ जाता है, वहां से लिम्फैटिक ये ड्रेन करता है सिस्टर्ना काइली और अपवर्ड ये कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेसल डक्ट जिसका नाम है थोरैसिक डक्ट। चूंकि ये डक्ट प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है फॉर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स इन द थोरैसिक कैविटी, उस मुनासिबत से इस डक्ट को हम नाम देते हैं थोरैसिक डक्ट का। सो होता क्या है कि ये थोरैसिक डक्ट, अब हम क्या कहेंगे कि थोरैसिक डक्ट का ओरिजिन क्या है, इट बिगिंस एज द कंटिन्यूएशन अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्न का क्या मतलब होता है, सैक, थैली, तो काइली रेफर्स टू द लिम्फैटिक्स। सो सिस्टर्ना काइली जो कि एक सैक लाइक लिम्फैटिक टिश्यू है उसके अपवर्ड कंटिन्यूएशन क्या है, थोरैसिक डक्ट। सो थोरैसिक डक्ट बिगिंस एज द अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टर्ना काइली एंड इट passes through the aortic hiatus within the diaphragm to enter the thoracic cavity left to the on the left side of the thoracic cavity। अब होता क्या है कि ये जो thoracic duct है ये thin walled है और dull whitish grayish white in color होती है, इसके अंदर बीडेड अपेयरेंस होती है, इसको जो आपको देखने में नजर आएगा आप हाथ लगा के टच भी करोगे तो आपको इसके अंदर बीडेड अपेयरेंस बीड्स की तरह की स्वेलिंग्स नजर आएंगी। द रीजन फॉर दिस बीडेड अपेयरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वाल्व्स, इसके अंदर बहुत सारी वाल्व्स होती हैं टू मेक श्योर द वन वे वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द लिम्फैटिक्स दैट इज फ्रॉम डाउन टू अप। So it ascends within the posterior mediastinum. Of course, क्या है thoracic duct का? Thoracic duct ऊपर की तरफ run करती है, ascend करती है thoracic cavity में by or with thoracic aorta and azygous wing. अब thoracic aorta जो है वो lower part of its course में पड़ी होती है left side of the thoracic duct पे और थोरैसिक डक्ट की राइट साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर रिलेशन बना रहा होता है, एजाइगस वे, ठीक हो गया। सो प्रीटी मच थोरैसिक डक्ट लाइज बिटवीन द थोरैसिक एओर्टा ऑन इट्स लेफ्ट साइड एंड एजाइगस वे ऑन द राइट साइड। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। एसोफिगस एंटीरियर पड़ी होती है तो थोरैसिक डक्ट इस लेवल पे लोअर पार्ट ऑफ थोरैसिक कैविटी पे, जबकि थोरैसिक डक्ट के पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, वर्टेब्रल बॉडीज। कौन सी वर्टेब्रल बॉडीज, इंफीरियर 7 थोरैसिक वर्टेब्रा। अब होता क्या है कि थोरैसिक डक्ट ऊपर की तरफ असेंड करती जाती है टिल इट रीचेस आइदर 4th थोरैसिक वर्टेब्रा या 5th थोरैसिक वर्टेब्रा, और समटाइम्स बुक्स में लिखा हुआ है द जंक्शन बिटवीन द 4th विद द 5th थोरैसिक वर्टेब्रा, वहां पहुंच के ये टर्न कर जाती है टू द लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट टर्न करके नाउ इट कंटिन्यूज टू असेंड विद इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। जब इसने T4 T5 के लेवल पे राइट साइड को टर्न किया तो इट टर्न्स, इट टेक्स अ शार्प लेफ्ट टर्न एंड पासेस बिहाइंड द एसोफिगस and continues to ascend within the superior mediastinum. It continues to run upwards till it reaches the root of the neck. अब ये जो root of the neck है, यहाँ पे enter होके एक उसने terminate कहाँ करना है thoracic duct में, venous angle में, कौन से वाला, right या left, left venous angle, क्योंकि thoracic duct left side पे होती है।
वीनस एंगल क्या चीज होती है? वीनस एंगल वो एंगल होता है जो कि बनता है बिटवीन टू वेन्स, कौन सी? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। इस एंगल के अंदर, इस पॉइंट पे, इनके यूनियन के पॉइंट पे, जिसको वीनस एंगल कहते हैं, इन दो वेन्स के यूनियन के पॉइंट को वीनस एंगल कहते हैं, या इन दो वेन्स के जंक्शन को वीनस एंगल कहते हैं। इसके अंदर थ्रेसिक डक्ट लेफ्ट वीनस एंगल में टर्मिनेट कर जाती है। What about the tributaries of the thoracic duct? It receives the lymphatics with the help of cisterna cavae from the lower abdomen, that is the lower limbs and the lower part of the abdomen. In the thoracic cavity, it receives the lymphatics from the middle and superior intercostal spaces of both sides, right and left. Then it receives tributaries from the posterior mediastinal structures. और नियर द टर्मिनेशन, जब ये एंड होने वाली होती है वीनस एंगल में, तो थ्रेसिक डक्ट के अंदर मेजर लिम्फैटिक ट्रंक्स भी ओपन करते हैं। वो कौन से ट्रंक्स हैं? लेफ्ट जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड ब्रोंको मीडियास्टिनल लिम्फैटिक ट्रंक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्रेसिक डक्ट।